अच्छे से लोहे ललन वाला आ गया। अब तुम ठोंगे बाद में। बड़ी भाभी, मिसिंग यू सो मच। बात है आज की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी ठीक हैं। तो जी, सब लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि ना आप लोग रेसिपी शेयर करती हैं तो थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन भी शेयर किया करें। तो हमने सोचा चलो रेसिपीज़ तो चलती रहेंगी, किचन का काम तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ थोड़ी सी डेली रूटीन भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो जी, यहाँ पर सुबह के 8:30 बज रहे थे, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी जो डेली रूटीन है वो शेयर कर दूँ कि मैं आज क्या करती हूँ। आवाज़ आपको सुनने में काफ़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि आप जो रेसिपीज़ की जो वॉइस ओवर है वो मेरी आवाज़ में नहीं सुनते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन है। हम दो बहनें हैं जो मिलकर चैनल पे काम कर रही हैं, तो इसी तरह कभी वो वॉइस ओवर कर लेती हैं तो कभी मैं। जो मैंने कहा चलो जो व्लॉग हैं वो मैं बना लिया करूँगी और जो रेसिपीज़ पे वॉइस ओवर है वो दूसरी आप ही कर लिया करेगी, तो इसी तरह जो है वो मिलके काम कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने जाना था, मैं सुबह सुबह उठी थी तो ज़ाहिर बात है फिर मैं ही रिकॉर्ड करूँगी ना। मुझे निकलना था 10 बजे और मैंने 10:30 बजे वहाँ पहुँचना था, तो मैंने कहा चलो जल्दी उठ गई हूँ तो तैयार होते इतना टाइम हो जाएगा। तैयार होने के बाद मैंने कहा नाश्ता भी मैं करती हूँ, तो इतनी तो धूप है तो तैयार भी क्या होना है, बस हल्का फुल्का तैयार हो जाना है। तो इतनी गर्मी है, धूप इतनी बाहर, अब जब भी कभी बाहर निकले तो सनस्क्रीन का लाजमी इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैंने डॉक्टर रोशल का जो है वो सनस्क्रीन यूज़ किया है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैंने जाना कहाँ पर, अब अभी इतनी सुबह सुबह तो शायद मैंने आपसे शेयर नहीं किया कि मेरी ना एक जो आपी है ना वो ब्यूटिशन है, तो माशाल्लाह वो काफ़ी वेल नोन है, लेकिन फिर भी वो कहीं भी कोई क्लास होती है ना तो वो जैसे काशिश की हो गई, मुसरत मिसबा की हो गई, किसी भी की भी कोई क्लास आती है ना फैसलाबाद में तो वो लाजमी उसको जाके ना अटेंड करती हैं। तो इसी तरह उन्होंने जाना था तो उनको जाने में प्रॉब्लम थी, तो इस तरह वो जब भी कहीं जाती हैं ना तो वो मुझे ले जाती हैं साथ में। हम लोगों ने ना पहले वैसे वॉइस ओवर कर रहे थे तो हमारे पास माइक नहीं था, तो हमने कहा कि जब व्लॉग बनाने हैं तो तब तो माइक की ज़रूरत पड़नी है ना, पीछे से आवाज़ें आती हैं, तो इसीलिए मैंने हम लोगों ने माइक लिया। तो मैं अब माइक लगा के ना कर रही थी, लेकिन फिर भी देखें पीछे से लोहे ललन वाला आ गया और वो भी माशाल्लाह स्पीकर में बोलता है, आई थिंक आपने सुना होगा। ये व्लॉग जैसा भी बना आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताना है, तो सब लोग लाजमी कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे मज़ीद इस तरह के जो व्लॉग्स हैं वो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो फिर इसी तरह से जो है वो रूटीन बन जाएगी और फिर डेली डेली का जो है वो व्लॉग आ जाया करेगा। तो जी, मैं अब तैयार हूँ, मुझे जाने लगी हूँ। भाई देखें एक और आ गया, कंगी नाल भाई वाल बेच लो। 9:30 हो गए हैं, अभी टाइम है, जाके नाश्ता करूँगी और निकल जाऊँगी। जी, आप ही को मैंने रास्ते से पिक कर लिया था और उसके बाद हम आ गए हैं इनके ऑफिस। ये है क्यूने का ऑफिस, मतलब कि यहाँ पर सैलून डिज़ाइनर की सारी चीज़ें मौजूद हैं इनके पास और क्यूने के भी हर प्रोडक्ट इनके पास मौजूद है। जो भी नई चीज़ आती है इनके पास हमें मिल जाती है और ये आपको घर पर भी डिलीवर कर देते हैं अगर आप मतलब कॉल करके बता दें। दरअसल इनके जो वर्कर्स हैं और एजुकेटर्स हैं ना वो जाके अपने जो क्लाइंट हैं मतलब जो ब्यूटिशियन हैं पार्लर वाली हैं वहाँ पर जाके विज़िट करती हैं, उनको जाके अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, इनको डेमो देती हैं, मतलब सब कुछ बता के आती हैं। इस तरह उनके क्लाइंट बन जाते हैं और फिर वो जो ब्यूटिशियन होती हैं वो इनसे रबते में रहती हैं, उनको चाहिए होती है वो ऑर्डर कर देती हैं, घर पे उनको चीज़ मिल जाती है 2-3 दिन में। तो इसी तरह इनके क्लाइंट बन जाते हैं, तो ये फिर जब भी कोई क्लास होती है फॉर्म कर देती हैं कि आप लोग आके क्लास जो है वो ले लें। तो हेयर की भी क्लासेस होती हैं, सारी ज़्यादा हेयर की होती हैं, हेयर कलर की, क्यूने की, मतलब कैराटिन की, रिबॉन्डिंग की, फेशियल की, बीबी ग्लो की। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप जाके क्लास अटेंड कर लो। और यहाँ पर ये देखें, आप देख रहे हैं ये चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, पार्लर की जो चीज़ें हैं आप कुछ भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये आपको गारंटी भी देते हैं। और यहाँ पर शैम्पू वगैरह, कंडीशनर, मास्क, हर चीज़। मैं वहाँ पर तकरीबन 4-5 घंटे लग गए थे, उसके बाद हम लोग घर आ गए और मैं तो आके सो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग?
तो आज छोटी ने किया था स्टार सुबह का व्लॉग, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आपकी रेसिपी से निकल के भी कुछ दिखाया करें, अपना घर दिखाएं, हमें व्लॉग्स दिखाएं। तो मैंने कहा चलो आज छोटी तुम स्टार्ट करो व्लॉग, फिर उसने कर लिया था। तो उसके बाद चलो जब मेरी बारी आती है खाना बना लगी, मैं बनाने लगी थी गोभी गोश्त। जब मम्मी लेने गई गोभी मिली कोई नहीं, तो ये फलियाँ मिली, तो मम्मी ने कहा चलो मटन फलियाँ डाल देते हैं। ये हमारे ना निकली हुई ऐसे ही मिल जाते हैं अब, क्योंकि जब अक्सर देखा है फलियाँ निकालने बैठो इतना टाइम लग जाता है, तो ये हमारे निकली निकाली मिल जाती हैं। अब देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ये क्या आ रहा है अब यहाँ पे, मैंगो है ये? तो ये मैंगो का फल बनाया मैंने, अब तुम देख ही जाना मैं क्या बनाती हूँ। नहीं मुझे पता है वो जो होता है डिलाइट। क्या पता है तुम्हें डिलाइट बना लेंगे? बस ये केक ना तुम लोगों से खाया जा रहा था, अब देखना। अच्छा तो केक का इस्तेमाल करना है। हाँ पगी बस बन गई है, थोड़ा सा टाइम है इसको। अच्छा इसको मैंने कर लिया है। ये व्हिपिंग क्रीम थी, इसको मैंने बीट कर लिया है, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ इसका। चलो बना लो फिर जल्दी से। मैंने इसमें क्रीम डालनी है। रेसिपी बतानी है इसकी? नहीं रेसिपी नहीं, वैसे बता रही हूँ कि आप लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं इसकी रेसिपी ना किसी दिन बना के ना स्पेशल जो डिलाइट होता है मैंगो, हाँ वो शेयर करेंगे। ठीक है चलो फिलहाल मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आपके घर ये तो बच्ची कुची चीजें तो बच्ची कुची चीजें इसके पास पड़ी थी ना, तो ये उनको यूज करिए। केक पड़ा हुआ था, कोई गेस्ट लेके आए थे, तो ये नहीं किसी ने खाया ना, मतलब पड़ा था, इतना पड़ा ही हुआ था, तो इसने कहा चलो इसमें यूज अच्छा, कर मैं कुछ लेते भी हैं। नहीं लेके आई थी आप, क्रीम भी पड़ी में चीजें थी, मैंने सिर्फ उसी को करना है। ठीक है और मैंने क्या किया, मैंगो में थोड़ा सा मैंने दूध डाल के और उसका मैंने पल्प लिया, मुझे इसका पल्प चाहिए। व्हिपिंग क्रीम भी पड़ी हुई थी ना फ्रिज में? हाँ व्हिपिंग क्रीम भी, मैंने कुछ बता तो रही हूँ कुछ भी मैं नहीं। दूसरी भी पड़ी थी? हाँ दूसरी भी थी, और मैंगो भी पड़े हुए थे। चीनी डाली है इसमें? चीनी ऑलरेडी इसमें होती है, पल्प में होती है, मैंगो में होती है। व्हिपिंग क्रीम भी तो मीठी होती है कि नहीं? वही बोल रही हूँ। अच्छा सही है। तो ये मैंगो का जितना पल्प था इसको मैंने इसमें डाल दिया। इतनी रेसिपी ना बताओ, कोई ट्राई ना कर ले हमें, तुमने बाद में बतानी है। नहीं वो प्रॉपर तरीके से बंदा बताता ना हर चीज, तो फिर भी है ना सही बना था। बता मैंगो डिलाइट इसमें तो केक पड़ा था ना वो यूज करना है, वैसे डिलाइट में होता नहीं आई थिंक यूज। क्या करना है इसको, केक है आपके पास, केक पड़ा हो अगर वो नहीं काम में आ रहा तो आपने इसको ऐसे उठा लेना। केला केक अगर आपके काम में नहीं आना तो 36 चीजें आपने बाजार से मंगवा लेनी है, नहीं केक यूज करने के लिए घर में पड़ी हो पागल। अच्छा ये नहीं है कि जो फ्रेश केक कोई लेके आया जी वो उठा के तो उसको यूज में लिया, हमने तो जितना खाना था खा लिया, जो बाकी बच गया था तो उसको एक दिन पहले भी हमने इसे यूज किया था ना, वो जो ओरियो का वो बनाया था, हाँ कप बनाए थे ना वही था, उसमें भी यही यूज किया था, फिर भी नहीं खत्म हुआ, फिर भी नहीं खत्म हुआ। और अब इसको ऐसे खत्म, क्योंकि मैंने देखा ये वाला जो इन्होंने ओरियो का मैंने बनाया था डिलाइट, वो भी इन्होंने बहुत शौक से खाया था, तो आज मैंने सोचा चलो। इतनी मेहनत होती है, ये तो कुछ भी नहीं है जो रेसिपीज हम लोग जो अलग से शेयर करते हैं ना, उसमें तो एक प्रॉपर सेटअप होता है कि आपके साथ रेसिपी एक प्रॉपर तरीके से शेयर करनी है। इतनी मेहनत लगती है, इतना गंद पड़ता है साइडों पे, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। बस एक हाथ में मैंने कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, एक हाथ में आपकी ने कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, हम लोगों ने साफ कर ही जाना होता है साथ साथ। और देखने वाले क्या कहते हैं जी ये रेसिपी है ये तो हम लोग भी बना सकते हैं, इन्होंने क्या किया, ये क्या कर रही है, ये कुकिंग कर रही है किचन में, हांडी तो हम भी रोज बनाते हैं, तो इस तरह हम भी शेयर कर सकते हैं। किसको आकर आई हुई है? किसी को तो आई है। एक बात मैं बोलूंगी कि हर किसी की रिस्पेक्ट किया करें, किसी भी काम को छोटा ना बोला करें, कोई भी काम इजी नहीं है। कुछ छोटे से छोटा काम कर रहा है ना, जैसे हम भी हैं या कोई भी है, उनका मतलब कि लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, वो कर रहा है कोशिश कर रहा है ना, तो आप उसको इनकरेज किया करें, अप्रिशिएट किया करें, किसी को ज़रूरत भी हो सकती है। तो इसी तरह मैं भी काफ़ी चैनल देखती हूँ, मतलब कि बहुत छोटे घरों के लोग हैं, नॉर्मल से लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी रूटीन दिखाएं या कुछ भी शेयर करें। तो आप लोग ये ना किया करें कि ये क्या दिखा रहा है, गंद दिखाई जा रहा है, हम क्यों देखें है ये है। आप लोग ये देखें कि वो लोग कितनी मजबूरी में है जो ऐसे काम कर रहे हैं,
तो आप लोग ना हर किसी को सपोर्ट किया करें। हम अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो कोई हमें करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है कि वो अपना फ्री टाइम पास करें। तो प्लीज़ आप सबको सपोर्ट करें, सपोर्ट किया करें, तारीफ़ कर दिया करें, छोटी छोटी जो हैं खुशियाँ बांटा करें, एक दूसरे की हेल्प किया करें, सपोर्ट किया करें। आज आपने ये व्लॉग था हमारा पहला डेली रूटीन का, अगर आपको अच्छा लगा, मैंने पहले भी सुबह बोला था, तो आपने कमेंट में ना बोल देना, बता देना कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी है आपने बता देना, ताकि हमें भी इनकरेजमेंट हो, हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं। क्योंकि जो ये रेसिपी है वो तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट में बताएं। मैंने सुबह कह दिया था, मुझे भी तो कहने लोगों ने कह रहे हैं बार बार यही बोली जा रही, मुझे भी तो कहना। अच्छा, तो रमजान में भी इतना मिस किया ना मैंगो को, चाट का स्वाद ही नहीं आता था खाने का। छोड़ी तुमने फिर भी नहीं। आ दो, तुम्हें कौन सा मना किया एक से ने? ले आई थी लूडो? हाँ, कितने का मिला बॉक्स? बस इसकी वही लेके आई है ना, अकेली डिब्बी। हाँ। लूडो सही है, चेक की थी? की थी। ये ना शायरी के पेपर खत्म होने की खुशी में मीठा बन रहा है, खिलाओ। तो मैंने कहा चलो, अच्छा तुम इतना खुल के नहीं कह रही वीडियो की वजह से, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी हरकतें है ना तुम बोलो। ऐसा ऐसा इसने भी खुल जाना है। हाँ तुम बता दो कोई बात। ऐसे तो आप लोग मुझे भी कह रहे होंगे, तो सुबह इसकी ना आवाज भी नहीं करी थी, अब देखो इसकी कितनी जुबान चल रही है। सुबह सुबह उठ के इसकी आवाज ही बकरों जैसी हुई होती। नहीं वो भी ठीक है, क्योंकि बंदा अपनी रूटीन से हटके जल्दी उठता है ना, तो इसीलिए भी, और वैसे भी पहली बार मैं कर रही थी ना अकेली, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी कि क्या बोलूँ क्या कहूँ, तो कहीं कहीं पर मैंने स्किप भी किया बोलना, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करके ना व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने ना मुझे अप्रिशिएट करना है। अच्छा मैं कब से बोल रही थी कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, बस ऐसे छापती आज बोलती हूँ कल बोलती हूँ। आप लोग भी ना आवाज़ की पहचान कर लें, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, जो भी लोग बनाएगी वो छोटी होगी और दूसरी वो जो रेसिपियाँ बनाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आदत हो जाएगी और हमें भी आदत हो जाएगी बोलने की। फिर क्या हुआ, गर्मी है ना किचन में, पंखे शंखे बंद हैं, अभी तक जो फलियाँ हैं वो अभी गली नहीं है, वो गल रही हैं। और ये ना पता क्या है, ये जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, ये खड़ी खड़ी ना दिमाग में प्लान बना लेती है कि ये बनाऊं, फिर दिमाग में सोच लेती है हाँ वो फलां चीज़ भी है फलां चीज़ भी है, तो ये वाली चीज़ बन जानी है। तो अब खड़ी खड़ी ने कह दिया वो मैंगो वाला बनाती हूँ, तो मैंने कहा हाँ बना लो, तो वो सारी चीज़ें हैं थी, तो ये बना के बैठ गई है। ठंडा तैयार है, लेफ्ट ओवर से बनाऊँ वो डिलाइट। ऐसे तो आप फॉलो हो। चलो अब इसको फ्रिज में रखो, खाना खा के ना फौरन खाना मैंने मीठा। चलो शहरी के मोजे नहीं था, बस चल रही है वीडियो। अब तुम ठोंगे बाद में खा लेना, इसको वाला फ्रिज में रख दो। मैंने कहा चेक तो करो, मैंने ये जॉइंट वाला क्लिप था ना डिलाइट वाला, इसमें आपको इतनी रोशनी नजर आएगी, तो हमने ली है रिंग लाइट, छोटे भाई ने गिफ्ट की है, उन्होंने लेके ली है। अगर आपको वीडियो में कहीं रोशनी कम नज़र आती होगी तो अब नहीं आएगी। जब रेसिपी बनाते हैं ना उसके बाद खलारा भी बहुत इकट्ठा होता है, आपके ख्याल में कि बस जी बना बनू के साइड पे हो जाती हैं, इतने कोई बर्तन लगते हैं ना छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बर्तन लगते हैं, फिर सारा जो है क्लीन कर कुर के फिर निकलना होता है किचन से। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सारे दिन का व्लॉग गुजर गया और भाभी भूभी का कोई जिक्र नहीं आया, तो ये जी रोटियां जो है वो भाभी बना रही है छोटी, गैस जाने वाला है। बड़ी भाभी तो चली गई हैं, उनको 12-15 दिन हो गए हैं कि वो चली गई हैं, तो मिसिंग बड़ी भाभी, मिसिंग यू सो मच रुमान, आपको बच्चों को सबको बहुत मिस करते हैं हम लोग। तो व्लॉग देख के ना तो कमेंट अच्छे अच्छे लास्ट में करना है, अच्छा आप बताना है कि आप लोग भी कितना मिस कर रहे हो। चलो बेटा उठ के रोटियाँ दो शहरी। नहीं आज नहीं, आज मेरे पेपर खत्म हो गए इसलिए तो कह रही हूँ ड्यूटी अपनी शुरू करो। चलो शाबाश। तो जी ये मेरी रोटी अंदर ही आ गई थी, अब मैं खा लूँ, खा के फिर हम ऊपर वॉक करने जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ आपसे बात करती हूँ। चलो जी तो देखते हैं ये ठंडा हो गया है कि नहीं। आप
काफ़ी ठंडा लग रहा है, तो ये मैं अब्बू को देकर आती हूँ अभी। हाफ हाफ अम्मी का तो ताड़ा। अब मैं ऊपर जा रही हूँ वॉक करने। रमज़ान में नाच सुनी होगी आपने, आपकी आवाज़ में बहुत प्यारी आवाज़ है, तो मैंने कहा चलो सॉन्ग सुनाती हूँ आपको। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। अगर आपको सॉन्ग अच्छा लगा है ना तो आपने ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और ना इस तरह कर लेते हैं कि आप लोग ना रोज़ अपनी मर्ज़ी से ना एक सॉन्ग बताया करें कमेंट बॉक्स में। तो ना एंड पे ना एक सेक्शन रख देते हैं छोटा सा पार्ट सॉन्ग का, तो आपकी मर्ज़ी का मैं ना आपको कमेंट आपका मेंशन कर दिया करूँगी वीडियो के ऊपर कि इस बंदी ने कहा था कि ये वाला सॉन्ग गाना है, तो वो सॉन्ग आप ही गा दिया करेगी आपके लिए। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।